सो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें क्लेमेंट और बॉनी को दिखाया जाता है और वो दोनों स्कूशी को ढूंढ रहे थे। तभी उनके बीच सैन और ऐश आता है, मतलब वो सभी एक साथ मिलकर स्कूशी को ढूंढ रहे थे। लेकिन उन लोगों के चेहरे से पता चल जाता है कि उन्हें स्कूशी नहीं मिलता और इस बात पे बॉनी बहुत ज्यादा सैड हो जाता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है रात में। हमारे हीरो स्कूशी के बारे में बात कर रहे होते हैं और वो लोग उसे लेकर बहुत ज्यादा टेंशन भी करते हैं। तभी क्लेमेंट कहता है कि स्कूशी एक मिस्टीरियस पोकेमोन है और उसके पास बहुत ज्यादा पावर हो सकता है, नहीं तो टीम फ्लेयर उसके पीछे नहीं पड़ा होता। और ये बात सुनकर बॉनी और भी ज्यादा परेशान हो जाता है और बोलता है उन्हें स्कूशी को ढूंढना चाहिए, नहीं तो टीम फ्लेयर के लोग उसे पकड़ के बुरे काम करेंगे। और इस तरफ हमारे हीरो उसे बहुत समय से ढूंढ रहे थे और अभी रात भी बहुत हो चुका है तो उसे कैसे ढूंढेंगे। लेकिन बॉनी किसी की बात नहीं मान रहा था, वो सिर्फ एक ही बात बोल रहा था कि स्कूशी को ढूंढना होगा। इस बात पे सैना उसे शांत रहने को भी कहती है, लेकिन बॉनी किसी भी हालत में शांत नहीं होता। उसके बाद बॉनी उसे जाने लगता है और कहता है वो उसे अकेला ही ढूंढ लेगा। और उसके बाद क्लेमेंट उसके पास जाता है और उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन बॉनी किसी का भी कोई भी बात नहीं सुन रहा था। उसके बाद क्लेमेंट उसे समझाता है और बॉनी से वादा करता है कि स्कूशी को उसे भी मिलकर कल जरूर ढूंढ लेंगे। ये बात सुनने के बाद बॉनी थोड़ा शांत होता है और उसके बाद सो जाता है। उसके बाद हमें स्कूशी को दिखाया जाता है और स्कूशी भी काफी लॉनली फील कर रहा था। उसके बाद फिर से सीन शिफ्ट होता है हमारे हीरोज की तरफ और हमारे हीरोज टीम फ्लेयर के बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी ऐश बोलता है आखिर किस लिए वो लोग स्कूशी को पकड़ना चाहते हैं। ये बात सुनने के बाद क्लेमेंट बोलता है अगर स्कूशी सच में हमसे दूर जाना चाहता है तो हमें एक बार उसे ठीक से गुड बाय कहना चाहिए। और उसके बाद हमारे हीरोज डिसाइड करते हैं कि कल वो लोग जरूर स्कूशी को ढूंढ लेंगे। और इस बीच हम देखते हैं टीम फ्लेयर के लोग हमारे हीरोज के ऊपर नजर रख रहे थे और उनमें से एक रिपोर्ट करता है कि हमारे हीरोज अभी तक स्कूशी को ढूंढ नहीं पाए क्योंकि टीम फ्लेयर के लोग हमारे हीरोज के दौरान स्कूशी को पकड़ना चाह रहे थे। उसके बाद सुबह हो जाता है और हमारे हीरोज फिर से निकल जाते हैं स्कूशी की खोज में। इसके दौरान क्लेमेंट अपना एक नया इन्वेंशन रिवील करता है जिससे उन्हें स्कूशी को ढूंढने में मदद मिलेगी। उसके बाद हमारे हीरोज स्कूशी को ढूंढने चले जाते हैं। तभी टीम रॉकेट को दिखाया जाता है और वो लोग एक जगह मजे से सो रहे थे और बोल रहे थे स्कूशी के पास इतना पावर होगा उन लोगों ने कभी सोचा नहीं था। तो और क्या, वो लोग सोचते हैं कि वो लोग स्कूशी को पकड़ लेंगे और कालोस में राज करेंगे और सोच भी कर सकता है लोग। तभी उस जगह पर क्लेमेंट का बनाया हुआ मशीन आ जाता है क्योंकि इस जगह पर क्लेमेंट का मशीन स्कूशी को एनालिस्ट करा था। तो फिर वो उसे पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन स्कूशी वहाँ पर गायब था और टीम रॉकेट को पता नहीं चला कि यहाँ पर स्कूशी है। और टीम रॉकेट सोचते हैं कि ये मशीन उसे फाइट करना चाहता है, तो ये बात सोच के जैसे उसे लात मार के उस जगह से भाग जाते हैं सभी। और इस बीच क्लेमेंट का बनाया हुआ मशीन पूरा टूट फूट जाता है और अपना कंट्रोल खो बैठता है। और उसी वक्त हमारे हीरो शॉप पर आते हैं और क्लेमेंट का बनाया हुआ रोबोट को टूटा हुआ पाते हैं। जब तक वो लोग समझते कि वो मशीन कैसे टूटा तब तक उनके चारों ओर टॉक्सिक पोकेमोन फैल जाता है और उनके पीछे पड़ जाता है। क्लेमेंट अपना बनल भी पोकेमोन बाहर लाता है लेकिन वो टॉक्सिक पोकेमोन संख्या में बहुत ज्यादा थे। तो उसके बाद हमारे हीरोज भागते हैं उस जगह से और टॉक्सिक पोकेमोन उनके पीछे भागते हैं। भागते भागते हमारे हीरोज एक खाई में पहुंच जाते और उस जगह से गिर भी जाते। तभी क्लेमेंट अपना रोबोटिक हैंड यूज करके सबको बचा लेता है लेकिन बॉनी सैन्य के हाथ से छूट जाता है और नीचे गिरने वाला होता है। लेकिन तभी बनल भी जाके उसे बचा लेता है अपने आप को दर्द पहुंचा के। उसके बाद हमारे हीरोज टॉक्सिक पोकेमोन से तो बच जाते हैं लेकिन इसमें बनल भी पोकेमोन बहुत ज्यादा घायल हो गया था। तो हीरो हमारे उसे जल्दी से पोकेमोन सेंटर ले जाता है। उसके बाद हमें जेट टू को दिखाया जाता है और वो स्कूशी के साथ बात कर रहा होता है। वो बोलता है कालोस में खतरा बढ़ता जा रहा है और इसमें इंसानों की हाथ सबसे ज्यादा है तो इसे रोकना होगा जल्दी। और ये सभी बातें स्कूशी सुन रहा होता है अपनी कल्टीवेशन की ताकत से। दूसरी ओर हमारे हीरोज पोकेमोन सेंटर पहुंचते और नर्स जॉय उन्हें बताती है बनल भी की हालत बहुत ज्यादा खराब है और उसे बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता है कीडामो फूल। ये फूल माउंटेन के टॉप में पाया जाता है और इसे लाना काफी मुश्किल है। उस बीच टीम फ्लेयर के मेंबर्स हमारे हीरोज के ऊपर यहाँ पर भी नजर रख रहे थे। तभी हमारे हीरोज बनलबी के बारे में सोच रहे होते हैं और परेशान हो रहे होते हैं। तभी क्लेमेंट नोटिस करता है वहाँ पर बॉनी नहीं है, मतलब बॉनी अकेला ही कीडामो फूल लेने चला जाता है और इसमें काफी ज्यादा खतरा है। और बॉनी को स्कूशी भी देख रहा होता है। आखिर में बहुत कोशिशों के बाद माउंटेन के टॉप में पहुंचता है और उसे थोड़ी दूर और जाना था। तभी बॉनी बनलबी की हालत के बारे में सोच के आगे बढ़ता है लेकिन तभी उसके पीछे बहुत सारे जंगली पोकेमोन पड़ जाते हैं और उसके ऊपर हमला भी करते थे। लेकिन तभी हमारे हीरोज वहाँ पर आ जाते हैं और हमारे हीरोज को एक साथ देख के वो जंगली पोकेमोन उस जगह से चले जाते हैं। लेकिन खतरा में भी टना नहीं था। उस जगह पर तभी टीम रॉकेट आ जाते हैं और पिकाचू को पकड़ लेते हैं। तभी ऐश और सेरेना मिलके टीम रॉकेट से फाइट करने लगते हैं और ऐश क्लेमेंट को बोलता है बॉनी को लेके कीडामो फूल ढूंढने के लिए जाओ। और क्लेमेंट और बॉनी वही करते हैं, वो दोनों कीडामो फूल ढूंढने के लिए चले जाते हैं और ऐश और सेरेना टीम रॉकेट के साथ फाइट करने लगता है। इस बीच क्लेमेंट और बॉनी को कीडामो फूल मिल जाता है। पहले उन्हें उस फूल को तोड़ने में थोड़ा दिक्कत तो आता है लेकिन उसके बाद वो दोनों मिलके उसे तोड़ लेते हैं और इस तरह ऐश और सेरेना मिलके टीम रॉकेट की छुट्टी कर देते हैं और टीम रॉकेट फिर से एक और बार फेल हो जाता है। उसके बाद हमारे हीरोज जल्दी से पहुंचते पोकेमोन सेंटर पे। उसके बाद बनल भी ठीक हो जाता है लेकिन बॉनी अभी भी स्कूशी के बारे में सोच के परेशान हो रहा होता है। तभी हम देखते हैं बॉनी के बैग में स्कूशी सोया हुआ है और उसे देख के बॉनी ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। असल में स्कूशी बॉनी को देख रहा था कि कैसे वो खुद के बारे में ना सोच के अकेला ही माउंटेन पे चला गया था। मतलब ये सब चीज देखने के बाद स्कूशी को महसूस होता है इंसान बुरे नहीं होते, कुछ इंसान अच्छे भी होते हैं। लेकिन जो भी हो, इस बीच स्कूशी और बॉनी का बॉन्ड बहुत ही अच्छा हो जाता है और इसी पॉइंट पे एपिसोड खत्म हो जाता है।
वीडियो पसंद आए तो एक रिक्वेस्ट है, आपको अगर ऐसे ही कंटेंट देखना पसंद है तो आप चाहो तो सब्सक्राइब कर सकते हो और अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हो ताकि उन्हें भी ऐसे वीडियोस देखने का मौका मिले। तो मिलता हूँ ऐसी और एक इंटरेस्टिंग वीडियो पर, तब तक के लिए बाय।